Assalamu alaikum, welcome back to the class of Ammar Motorza, the channel Physics with Ammar, the finest and easiest way to learn the concepts of physics. Today we are going to start another topic related with this chapter, heat or the thermal properties of matter. And these two topics are related with each other. But if you are new on this channel, do subscribe this channel and watch the video till the end. Or agar aapko ye video achhi lage to zarur like wala button bhi daba dijiyega. अच्छा तो हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी. इससे पहले मैं आपको बता दूं कैपेसिटी होती क्या है. कैपेसिटी हम क्लास में एक जो है वो 30 चेयर्स पड़ी हुई हैं, उसके बाद जो है वो एक और बंदा आ जाता है, स्टूडेंट आ जाता है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए देखेंगे कि पहले क्लास में कैपेसिटी है कि वहां पर एक चेयर रखी जाए और उसके बाद उस स्टूडेंट को वहां पर शिफ्ट किया जाए. तो कैपेसिटी होती है गुंजाइश, कितनी गुंजाइश है. तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपके को पहले लेता हूं. ये एक मैंने ये बार जो है वो सपोज की है, ये है सपोज करें आयरन की बार, और दूसरी बार मैंने जो है वो सपोज की है ये है जी किसकी बार है, ये है मेरे पास जी एल्यूमिनियम की बार. अच्छा तो अब आयरन और एल्यूमिनियम ये मैंने दो जो है वो क्या की है, सपोज की है, ये दो मेरे पास बार्स है. अच्छा इनका जो मैं वेट करता हूं इसका भी है 2 kg और ये भी है 2 kg. अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर ये होगा कि मुझे हीट कितनी देनी होगी कि इनका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाए, इनका टेम्परेचर क्या हो, बढ़ जाए. अच्छा इसके साथ साथ मैं एक और जो है वो कंटेनर के अंदर वाटर भी लेता हूं. ठीक, ये भी समझ लें कि तकरीबन मैंने 2 kg के ही दरमियान यानी 2 लीटर मैंने जो है वो ये क्या किया है, इसमें पानी फिल किया है. तो अब मैंने ये तीनों जो है वो चीजें यहां पर रखी हैं. अब इन तीनों को मैंने क्या करना है, मुझे हीट देनी है. इसको भी मैंने हीट दी है, इसको भी मैंने हीट दी है, इसको भी मैंने हीट दी है. अच्छा आयरन जो है उसकी जो है वो हीट कैपेसिटी ज्यादा है या एल्यूमिनियम की ज्यादा है या वाटर की ज्यादा है, ये मुझे देखना होगा. जब मैं इनको इक्वल अमाउंट में सपोज करें, मैंने इसको 5 joules जो है वो हीट सप्लाई की है, इसको भी 5 joules हीट दी है, इसको भी 5 joules हीट दी है. अच्छा तो फिर क्या होगा कि अगर अब 2 मिनट्स के बाद या 5 मिनट्स के बाद इसकी जो हम टेम्परेचर, लेट सपोज इसका पहले था जी सपोज करें 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका भी 20 और इसका भी 20, यानी 20 जो था इसका इनिशियल, तीनों का इनिशियल जो है वो टेम्परेचर था. अब जो है वो यहां पर मैं देखता हूं तो यहां पर मुझे कुछ और चीजें नजर आती हैं. और चीजें क्या नजर आती हैं कि आयरन का जो है वो टेम्परेचर बढ़ के और तकरीबन 50 पर पहुंच जाता है, इसका जो है वो आपका 40 पर होता है, और जबकि इसका जो है वो क्या हो जाता है आपका, इसका जस्ट जो है वो आपका 30 या 25 तक ऐसे ही बढ़ता है, सपोज करें 30 जो है बढ़ता है. तो यहां पर मुझे बड़ी अजीब बात नजर आती है कि 5 मिनट के बाद 5 joule एनर्जी दी है, तो तीनों ही जो है वो इक्वल अमाउंट में उनका जो है वो सब्सटेंस है, तो इनमें जो जो चेंज है टेम्परेचर का जो चेंज है वो जो है वो इतना जो रिजेंबल नहीं करता. इसका मतलब 50 हो गया है तो इसका जो है वो 51 हो या 52 हो, एकदम जो है वो 40 आ जाता है, गिर जाता है. और यहां पर देखें हम वाटर का तो वो भी गिर जाता है. तो ये क्या मसला है, ये मसला ये है कि इनके अमाउंट्स डिफरेंट हैं, इनका जो कैपेसिटी है कि जो गुंजाइश है हीट की वो अब एब्जॉर्ब करने की जो गुंजाइश है वो आयरन के पास कम है. आयरन जो है वह क्या करेगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, तो इसके पास एल्यूमिनियम के पास क्या है, ज्यादा है. ये क्या करेगा कि थोड़ी और इसे हीट हम देंगे, इसको फिर क्या है, इसको हीट सप्लाई बंद कर देंगे, फिर इसको जो है वो 2 मिनट तक हीट देंगे. तो यहां पर ये भी जब तक 50 पर चला जाए और इसको जो है वो हम फिर इसकी भी बंद कर देंगे और इसको जो है वो हीट प्रोवाइड करेंगे ताकि ये भी 50 डिग्री तक जो है वो पानी गर्म हो जाए. ठीक, तो मतलब क्या है यहां से वाजे हुई एक बात कि आयरन जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, फिर जो एल्यूमिनियम है वो उसके बाद यानी दूसरे नंबर पर आती है, जबकि वाटर जो है वो बिल्कुल लास्ट में आता है. क्यों, क्योंकि इनके पास जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है. यहां पर आयरन के पास कैपेसिटी कम है, मतलब वो जल्दी से गर्म हो जाती है, कैपेसिटी गुंजाइश कम है कि हीट को एब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्ब करे, ये जल्दी गर्म हो जाती है. ये जो एल्यूमिनियम है इसके पास थोड़ी ज्यादा एब्जॉर्प्शन की
जो है वो कैपेसिटी है। उसके बाद आता है वाटर, वाटर ज्यादा जो है वो एब्जॉर्ब करता है हीट को और सबसे ज्यादा करता है, क्योंकि वाटर की जो हीट कैपेसिटी का वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है 4200 kg, ठीक है, या ये जो है वो जोल पर पर केल्विन, ठीक है, ये जो है वो इसकी क्या है हीट कैपेसिटी है, सबसे ज्यादा है, इनकी कम है, इनकी भी कम है। अगर मैं आपको इसको ग्राम्स की जो है वो 100 ग्राम्स का अगर आपको एग्जांपल मैं लूं तो यहां पर वाटर की बनेगी 417, ठीक है, उसके बाद जो है वो इनकी बनेगी आयरन की बनती है तकरीबन 45 और जबकि एल्यूमिनियम की तकरीबन बनती है 90 की, ठीक है। तो ये जो है वो डिफरेंट जो है वो अमाउंट्स है। अब यहां पर देखें 45 कम है, 90 थोड़ा ज्यादा है, तो यहां पर अगर आप इससे कंपेयर करेंगे 417 से ये 45 और 90, तो ये 417 बड़ा है उन सबसे, तो इनकी कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक। तो आते हैं टॉपिक की तरफ, तो आपको मेरे ख्याल से ये चीज समझ आ गई होगी कैपेसिटी होती क्या है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअली क्या होती है, द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर पर यूनिट मास। एक मास के लिए, वन यूनिट मास के लिए जो टेम्परेचर चेंज करना हो हमें, जो टेम्परेचर में चेंज करनी हो एक यूनिट मास के लिए, एक जो है वो किलोग्राम हो, एक ग्राम हो, या एक जो है वो ग्राम हो या एक किलोग्राम हो, ठीक है, तो उनके लिए जो हमें चेंज आए टेम्परेचर में उसको बोलते हैं स्पेसिफिक जो है वो अमाउंट। स्पेसिफिक तो वर्ड से क्लियर है, ठीक है, तो स्पेसिफिक अमाउंट में जो हम हीट देंगे इसका टेम्परेचर को राइज करने के लिए कितने अमाउंट, मतलब एक ग्राम जो है वो उसका टेम्परेचर चेंज हो, कितना चेंज हो, 20 है तो 21 हो जाए, समझ आ गई बात। तो यहां पर अगर 50 हो गया इधर इनिशियल, अगर हम इसको सपोज करें कि ये 50 है तो इसका फिर क्या हो जाए, एक डिग्री बढ़ के 51 हो जाए, ठीक है। तो यहां पर तो तीनों का हमने इनिशियली 20 20 20 लिया है, तो इनिशियली इनका जो है वो हमने क्या करना है, इनका एक जो है वो डिग्री केल्विन या सेल्सियस हमने टेम्परेचर इनका बढ़ाना है। लेकिन इस चीज पर ज्यादा गौर करिएगा कि यूनिट मास के लिए, एक ग्राम मास के लिए, एक किलोग्राम के लिए, जो आपको स्टैंडर्ड वहां पर लेना होगा उस हिसाब से आप ये लेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ हीट, वो क्वांटिटी हीट की, हीट को हम क्वांटिटी को हीट को कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम टी से डिनोट करते हैं, पर यूनिट मास, मास को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अच्छा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है वो हम स्मॉल जो है वो क्या करेंगे, सी यूज करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, और उसका फॉर्मूला ये है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, ठीक है। तो इस तरह के तरीके से हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन कर देंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, ठीक है, यूनिट मास पर डिग्री केल्विन, ठीक है। इस जो है वो तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम डिफाइन करते हैं, किसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। अब यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इस वजह से हमने मास दिया है, जबकि हीट कैपेसिटी में क्या होता है, वहां पर पूरी बॉडी का, पूरे सब्सटेंस का जो है वो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, ये डिफरेंस है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम स्पेसिफिक अमाउंट का जो है वो हम चेंज करते हैं, एक यूनिट, एक डिग्री, ठीक है। तो वहां पर क्या करते हैं, हम पूरे सब्सटेंस का चेंज करते हैं एक डिग्री करते हैं, दोनों में एक डिग्री है, लेकिन यहां पर क्या करते हैं, यूनिट मास के लिए करते हैं, वहां पर पूरे सब्सटेंस का जो है वो हम जो करते हैं टेम्परेचर वो बढ़ा लेते हैं। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 degree केल्विन और सेल्सियस। यहां पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने केल्विन और सेल्सियस ये दोनों में स्लैश रखी है, ये बढ़ाई है, ये बढ़ाए, बिल्कुल ठीक है, आपने फारेनहाइट नहीं कहा, क्योंकि टेम्परेचर के 3 scales हैं। अगर आपने नहीं देखे वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाए देख ले, ये मैंने अपलोड कर लिया पहले।
तो यहां पर केल्विन और सेल्सियस जो है वो इस वजह से हम स्लैश में यूज करते हैं क्योंकि इनका जो डिवीजन है वो एक जितना है, इनके जो बीच में पार्ट्स है 100 वो एक जितने हैं, जो फारेनहाइट के दरमियान जो है वो हमारे हैं 180, यहां पर 100 और 100 है, तो यहां पर एक सेल्सियस जो है वो 1 केल्विन के बराबर होगा और ये इज इक्वल होगा 1/8 फारेनहाइट के, ठीक है। तो ये जो है वो डिफरेंस है 1.8 जो है वो फारेनहाइट, अगर आप कहेंगे तो ये फिर ठीक होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ या 1 केल्विन बढ़ाओ, इस तरीके से जो है वो आप टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। तो अच्छा, फिर आते हैं इधर के, हमने यूनिट को अभी डिस्कस नहीं किया है, तो यूनिट को डिस्कस कर लें कि इसका जो है वो क्या है। इट इज द हीट इन जॉल्स नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सैंपल बाय 1 केल्विन और सेल्सियस, ठीक है। तो यहां पर क्यू अमाउंट, मतलब क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी, तो हम मेजर करते हैं जॉल्स में, तो कैपिटल जे जो है वो उसकी जगह पे आएगा। और उसके अलावा यहां पर आप इसको ग्राम्स में मेजर कर लें या किलोग्राम में मेजर करें, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है केल्विन और सेल्सियस, सो इसको आप ऐसे जॉल किलोग्राम इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो यूनिट आ जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। और यहां पर क्या आएगा, हीट कैपेसिटी का, हीट कैपेसिटी का आप इधर से ड्राइव कर लो कि यहां पर क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो क्यू अमाउंट, क्यू एनर्जी के लिए हम क्या यूज करते हैं, जॉल, जॉल की सिंबल है जे अपॉन। यहां पर टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो कितना है, वो किससे मेजर करेंगे, सेल्सियस से या केल्विन से, तो हम यहां पर ऐसा सिस्टम में क्या है वो केल्विन है, तो हम केल्विन देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा जॉल केल्विन इनवर्स, ये आपका आ जाएगा हीट कैपेसिटी के लिए क्या आ जाएगा, यूनिट आपका। क्लियर हो गई बात। अच्छा, उसके अलावा आता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वहां उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तकरीबन मिलते जुलते हैं, तो वो आपको मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल इसको लाइक कर लीजिए, और इसके अलावा इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।